राम राम सा स्वास्तिक पामेस्ट्री चैनल में थारो स्वागत है। आज आप वीडियो के माध्यम से बुध फिंगर की लंबाई का आधार पर कोई सो पोर कितनो बड्डो है तो आपने के फल देवे है उसके बारे में जानेगा। तो देखो ये अपनी बुध की फिंगर है और ये बुध फिंगर में यो पहलो पोर है, यो दूसरो पोर है और ये तीसरो पोर है। अब देखो जी भी भाई या भाण का हाथ में पहलो पोर बड्डो होगो, यो बड्डो होगो अन दोनों पोरा से, दूसरा तीसरा से यो पहलो पोर अगर बड्डेड़ो दिख रहे है तो यो बड्डो यो पोर आपने के बतावे कि अयां का जो व्यक्ति हुआ है कोई भी सेकंड पर्सन से यदि बात करे हैं तो अण में व्यवहार कुशलता देखी जा, अपनी बात जो रहेगी बिना सही तरीके से सही समय पर दूसरा के सामने रखनिया ये लोग रहे हैं और खुद की बात काफ़ी प्रभावी ढंग से रखेंगे जिसके कारण उनकी बात मानी भी जाए और उनकी बात में वजन भी आ रहा है। हर चीज़ को हर कार्य को खुद को काम है दूसरे को काम है बिना बारीकी से ये लोग उनको विश्लेषण करता था ना मिलेगा, छोटी सी छोटी गलती ने भी गौर करेगा ध्यान रखेगा कमी ने निकालेगा कि या ये काम में या कमी है यो काम यहाँ होना चाहिए थो। तो ये जो गुण हुआ है ये बुध फिंगर को जो पहलो पोर हुआ है यो बड्डो हुआ लंबो हुआ तो व्यक्ति में देखा जाए, ये कारण ही यहाँ का लोगों ने एनालिटिक पर्सनैलिटी बोलो जा। अगर सारी फिंगरा का फर्स्ट पोर बड़ा हुआ तो ये गुण में यहाँ का लोगों का और अधिक वृद्धि देखी जा, हर चीज़ ने मेंटेन कर कर रखना फिर सभी फिंगरा का अकॉर्डिंग उनका गुण भी, जहाँ सूर्य की फिंगर बड़ी है एक मई का गुण, शनि की बड़ी है उसका भी गुण, तो भी प्रकार से फिर पॉजिटिविटी देखी जा। अब देखो पहलो पोर अपनी जो छोटी सी छोटी चीज़ है उसकी परख ने जो बताओ है बठे ही जो अपने सतगुण ने भी बताओ है। सतगुण की अगर बात करा तो धर्म ने से जोड़ कर इन्हें देखो जाए, नैतिकता से जोड़ कर देखो जाए, परमार्थ सा इन्हें जोड़ सका है तो वो गुण की वृद्धि ने भी जीवन में लियाओ है। अब दूसरे की बात करा तो देखो यो सेकंड पोर है जो आपने रजस्व गुण ने बतावा है और दूसरो पोर अगर आपने हथेड़ी को चोखो है तो अँ के व्यक्तियाँ को जो व्यवहारिक पहलू होगा को वो मजबूत था न मिलेगा, बढ़िया बुद्धि भी आपा कह सका और कईया की प्रकार से आपने व्यवहार करना है, कईया बुद्धि ने सही यूज करना है, व्यक्ति कितनों के इंटेलिजेंट है चतुर है चलाक है ये सब ई पोर से देखो जा। अब तीसरे पोर की बात करा तो यो आपने तामसिक गुण ने बतावा है, अपनी बार्गेनिंग पावर ने बतावा है, मोल भाव की प्रवृत्ति ने बतावा है, किसो कापा अपने अधिकारा की रक्षा कर पावा हाँ उन्हें भी यो बतावा है। अगर यो पोर बड़ो है तो फिर जीवन में जो सत्य और तम गुणा की वृद्धि रहेगी और सत और रज गुणा की कमी का साथ ई व्यक्ति को जो पूरा फोकस रहेगा वो हर चीज़ में मोल भाव करनो फिर बैठे भी खुद को प्रभाव जताने के लिए
थोड़ी सी वाणी दोष वगैरह भी यो देवे। विकली आपा ने फिर बुद्ध की स्थिति वगैरह भी देखनी पड़े। अब एक और बात आपा समझा तो देखो, जितनी फिंगर स्ट्रेट रहेगी, सीधी रहेगी, वह उतनी ही पॉजिटिव फल देवेगी। उरे तक कोई भी फिंगर पूछ रही है चौखी मानी जाएगी, और जहाँ थोड़ी ज़्यादा ऊपर जा रही है या सूर्य फिंगर के ऊपर, तो देखो पिछले वीडियो में ई फॉर्मेशन के बारे में कुछ बताए गए हो तो ई के बारे में भी समझ लिया, तो यह बुध गुणा में और अधिक वृद्धि कर देगी। इंटेलिजेंसी को बताएगी, तरक्की को बताएगी, जीवन में सफलता ऐसे लोगों ने जरूर मिलेगी। अच्छी शिक्षा की कारक मानी जाएगी। हर काम में अनकोई जो प्रोफिशेंसी होगी पथार लोगों ने जरूर दिखेगी। अब देखो आपा खड़ी रेखा की बात करा तो ये पोर हुआ और अनपोरा पर ही प्रकार से रेखा चल है। अन्नापा मित्र रेखा बोला, सौर मंडल से जो एनर्जी फ्लो हुआ है बिना बेग के साथ नीचे ग्रह पर्वता तक सेंटर पॉइंट तक पहुँचाने को कार्य ये रेखा करे। तो और अगर सीधी रेखा खड़ी है तो ये पॉजिटिव रेखा ही, मित्र रेखा ही और एनर्जी फ्लो में वेग के लिए ये अपनी फिंगर पर आई है। तो उरा खड़ी रेखा को मतलब है अपने जीवन में बुध की पॉजिटिविटी ने ये बताएंगे। बुध ग्रह तक एनर्जी को पॉजिटिव फ्लो मिल रहे है तो ये अपने हाथ में मित्र रेखा मानी जाएंगी। अब खड़ी रेखा ही तो उरे मित्रता तो है ही है, अपने यो भी देखना है कि उरा अगर यह रेखा खड़ी है तो अया का जो व्यक्ति रहेगा अच्छी वाणी ना बोलेगा, उनकी वाणी जो रहेगी अच्छी रहेगी, प्रभावी रहेगी और शुद्ध बोलने वाले लोग देखा जाएगा। अब उरे अया रेखा पा बना दिया, इन्हें अड्डी रेखा बोले, इन्हें शत्रु रेखा बोले, तो जो वाणी अच्छी ही मीठी ही उमें ये कमी कर देगा, बिना मतलब में बोलेगो, फालतू बोलेगो, झूठ बोलेगो, झूठ को सहारो लेगो, और जी का कारण फिर ही आदमी का जीवन में दिक्कत भी थे। लोग देखोगा जो भी झूठ वो लगो गाएंगी तो ये शत्रु रेखा कहलाएंगी। अब उरे की अड्डी रेखा शत्रुता वो व्यक्ति के साथ जरूर निभाओगी, उन्हें झूठ बोलने की आदत देगी और वो जय झूठ बोले जागो दूसरा की नजरा में गिरागो, जिसका कारण ये उसे शत्रुता निभाएंगे। सेकंड आपा अगर समझेगा तो देखो अड्डी रेखा आ गई है तो जो एनर्जी फ्लो बुध पर्वत तक पॉजिटिव वे में शीघ्र पूछनो चाहिए हो प्रभाव के साथ वेग के साथ उमें ये अगर आडी रेखाएं तो ये बुध को जो वेग हो बिना ये ऊपर ही और रोक लेंगे, तो फिर ये शत्रुता निभाओगी, शत्रु रेखा मानी जाएंगी और ग्रह पर्वत तक अगर एनर्जी नहीं पूछ रही है तो निश्चित ही भी ग्रह पर्वत की जो पॉजिटिविटी है उमें कमी जीवन में देखी जाएगी और फिर उससे दिक्कत देखी जाएगी। अब देखो और आपा समझा तो यो आपनो दूसरो पोर है, उरा अगर आपा ने जिया था ने ये हाथ में एक रेखा दिख रही है और आ जाए तो ये और रेखा डी उरा ये व्यक्ति का जो नेचर होगो वो भावुक नेचर देखे जागो। स्वभाव की बात करा तो कठोर स्वभाव ने बताओगो। अब देखो जया या रेखा थाने
या गहरी ओछा तो थे देखोगा यो आदमी कठोर मिलेगो, कठोर हृदय को रहोगो तो एक ही समांतर और अगर दो आडी रेखा दिख रही है, एक आडी रेखा दिख रही है तो भी अया को आदमी थाने कठोर मिलेगो। अब थे उरे समझ लियो, अब उरे से आप या एक रेखा अगर आपने जानकारी ही या रेखा एक है दो है यो आदमी कठोर हुआ है, नीचा आपा ये हाथ ने कुनी देखा ई रेखा को मतलब आपने वेरो है यो कठोर हुआ है, तो फिर आपा ये आदमी का हाथ में देखा तो देखो बिल्कुल सीमियन फॉर्मेशन। अब सीमियन फॉर्मेशन हुआ था लोगान बेरो कठोर हुआ ही वो आदमी, क्योंकि हृदय की जगह तो ये दो रेखा छोटी छोटी और मस्तिष्क रेखा स्ट्रेट बना दी, दो प्रधान और रेखा की कमी कर दी। कमी को मतलब आप यहाँ समझेगा कि जीवन रेखा तो सही है लेकिन मस्तिष्क रेखा ने भी सिद्धि कर दी, तो एक ही पॉजिटिविटी में कमी कर दी, क्योंकि मस्तिष्क रेखा घूमती हुई चाल तो यह सही है, हृदय रेखा भी घूमती हुई चाल तो सही है, हृदय रेखा ने प्रॉपर गायब कर दी और मस्तिष्क रेखा ने यहाँ सिद्धि कर दी। देखो तो दो रेखा में कमी कर दी। अब ये दो हृदय रेखा में कमी को मतलब जो फीलिंग्स हैं जो भावना ही समाज ने लेकर परिवार ने लेकर बन की कमी है सीधी सीधी जीवन में, तो आप अगर कोई चीज़ा ना समझा डीपली तो ये जो फार्मूला हुआ है वे समझ में आ जाएगा। उरा आडी रेखा है भावना कठोर भावुक, भावुक होगा लेकिन कठोर हृदय होगा तो सीधो थे देखोगा रेखा ही गायब हो रही है, निश्चित ही ये रेखा को समांतर इन्हें जो फल मिलना हो वो उरे आपा इप बतास कहाँ भावना की कमी आदमी में, भावुक तो है ज़्यादा लेकिन कठोर हृदय है क्योंकि आठ लाइन ही कुनी। अब जरूरी कुनी कि उरा आठ लाइन ही कुनी या रेखा है तो उरा आठ लाइन ही प्रकार की भी थाना मिल सके, गहरी स्ट्रेट डार्क रेखा भी मिल सके, तो आप नहीं अभी बात ने समझनी पड़ेंगी। अब देखो और अगर आप समझा, अगर यो थर्ड पोर है इप अगर आडी रेखा बनती दिख जाए तो ये उरे जो फल देंगे ये व्यक्ति का जीवन में गलत व्यवहार गलत आदता गलत नेचर ने बताऊंगी, तो उरे भी ये चौकी कुनी मानी जाए। तो कोई से भी पर्व पर आडी रेखा में ये दिक्कत आना जरूर बताऊंगी। तो यह थी जानकारी हथेली में अपनी बुद्ध फिंगर पर आडी रेखा से संबंधित, राम राम सा।